हरे कृष्ण, स्वागतम 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 सुस्वागतम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावे संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तापित यह 18 दिन के श्रीमद् भागवत सत्र के ये 7वें दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त कीजिए। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता भगवान का जीव जगत के लिए आदेश है, संदेश है, उपदेश है। यह भगवत गीता परम पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवत गीता जो है ये एक प्रेम का गीत है, भगवान का जीव के प्रति प्रेम का गीत है। भगवान चाहते हैं कि इस जगत के सारे जीव परम संतुष्टि को प्राप्त करें, अपार सुख को प्राप्त करें, अनंत सुख को प्राप्त करें। यह भगवान का हृदय है और इस हृदय को भगवान जो है अपने गीत के माध्यम से हम सबको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आ लौट घर चल आ, आ लौट घर चल आ। देरी भगवान की ओर से नहीं, देरी हमारी ओर से। अर्जुन जो है अब भगवान की योजना को समझ गए। अर्जुन जो है अब संन्यास लेने की जो कीड़ा था, भूत था, इच्छा था, वो त्याग दिया। अर्जुन जो जंगल में जाकर जो है अकेला रहने का जो विचार था वो उनके हृदय से निकल गया और अर्जुन को पूरा यकीन हो गया कि वो जो है निष्काम कर्म योगी बनेगा और भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। आपका योजना, अब मैं अपना योजना बनाऊंगा। आपका योजना है कि मैं युद्ध करूं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। युद्ध करने के लिए अब तैयार होना ही था। भगवान बोला, अरे रुको 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 बेटा, आप तो युद्ध करोगे पर मैं आपको जो है भक्ति योग का जो है निष्काम कर्म योग का आध्यात्मिक कर्म मार्ग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता हूँ। आप भक्ति के बारे में अच्छी तरह से जान लो, भगवान के बारे में अच्छी तरह से जान लो, भक्तों के बारे में अच्छी तरह से जान लो, प्रोडक्ट क्या है वो तो अच्छी तरह से जान लो, तक्षिणु ध्यान से सुनो अर्जुन, ध्यान से सुनो। ये छोटी सी भूमिका के साथ आइए हम आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। ये 7वें अध्याय के और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को जो है हम जो है 5 भाग में देखेंगे। भाग एक में जो है भगवान जो है यह ज्ञान विज्ञान का महिमा बताएंगे। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं और किस प्रकार से भगवान जो है जगत में अपने शक्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है। और तीसरे जो भाग में हम देखेंगे कौन शरणागत है, कौन शरणागत नहीं होगा। और जो है चौथे भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से देवी देवताओं के उपासक और मायावादी जो है भगवान को समझ नहीं पाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे 26 से लेके 37 में 5वें भाग में ब्रह्मवादी, यानी कि जो है दुष्कृति नाम 4 प्रकार के और सुकृति नाम 4 प्रकार के और देवी देवता के उपासक 1, यानी कि 9 प्रकार के लोग हो गए। फिर मायावादी जो है वे निर्विशेषवादी जो है वो 10 हो गए और जो है ब्रह्मवादी, टोटल 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आएगा। आइए बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये 7वां अध्याय आइए इसी के पहले भाग के जो है हम गोता लगाते हैं। भाग एक में हम देखेंगे कि ये ज्ञान विज्ञान का महिमा भगवान बता रहे हैं। अर्जुन ये प्रोडक्ट तो भेजने जा रहे हो,
पर प्रोडक्ट क्या है वो तो थोड़ा जान लो। हाँ, ज्ञान विज्ञान भगवान स्वयं करेंगे। ये एक पहला अध्याय है 6 अध्याय में, जहाँ अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं, केवल भगवान बोलते हैं। श्री भगवान वाच, ये जो है अध्याय, इसमें हमें भगवान सिखाते हैं कि किस प्रकार से जीने की कला क्या है, जीने की कला क्या है इस अध्याय में सिखाया जाएगा। तो हम लोग तो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, तो जीने की कला वास्तव में ये 7वें अध्याय को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम जान पाएंगे। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ है सुंदर, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। भगवान का अर्थ होता है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो अगर दुनिया का जो सुंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, तो जरूर हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए कुछ कहता होगा, कुछ महत्वपूर्ण बात। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर हर कार्यों को त्याग कर, हर विचार को बाजू में रखकर हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आसक्त मन पात, योग युञ्ज मद आश्रया, असंशयाम संग्राम यथा गेये शीतक्षिणु। ध्यान से सुनो, हे पार्थ, हे पिता के पुत्र, हे कुंती के पुत्र, हे इंद्र के पुत्र, बड़े ध्यान से सुनो। मैं आसक्त मन पात, आप पूरी तरह से मुझ पे आसक्त हो जाओ, आपका मन को मुझ में आसक्त करा दो। योगी नाम अपि सर्वेषां, पिछले अध्याय में भगवान कहे हैं, हम योग भवति अर्जुन, अर्जुन से कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुना, इसलिए आप योगी बनो। योगी जो है कर्मी से श्रेष्ठ है, पापी के बारे में तो गिनती नहीं है, यानी कि पापी से तो श्रेष्ठ है, पापी से श्रेष्ठ है, कर्मी से श्रेष्ठ है, त्यागी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुना, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गदर अंतरात्मना श्रद्धावान वत्सायो माम सहमे तमाम। तो योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी गोपियां हैं, उनका मन जो है पूरी तरह से पिता पर, किस पर आसक्त है, कृष्ण पर आसक्त है। मन मुझ पे आसक्त करा दो, ये मन मुझे दे दो। वास्तव में हम मन नहीं देते हैं, तन देते हैं, धन देते हैं, पर मन जो है इधर उधर किसी को भी दे देते हैं, फिर बाद में रो के आते हैं, बोलते हैं कि मेरा इसको मन दिया, वो मन जो है किसी और को दिया, और उसने जो है मन को तोड़ दिया। स्वामी जी, प्रभु जी, बोलो जी। फिर हम बोलते हैं भगवान ने पहले बोल दिया जी कि मन मुझे दो, तो आपने किसी और को क्यों दिया। भुगतो जी। तो भगवान को मन देने से कभी हम धोखे में नहीं रहेंगे। संसार में किसी को भी मन देंगे तो हमेशा रोते हुए वापस आएंगे और कहेंगे, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, फूट जाता है, रूठ जाता है, नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। योगी नाम अपि योग युञ्ज मद आश्रया, इस प्रकार से मुझ पर आसक्त हो जाए हो, और ये जो है मुझ पर आश्रय हो जाओ और मुझसे जुड़ जाओ पूरी तरह से। असमसन समाग्राम, इस प्रकार से आप हर प्रकार के शंका से मुक्त हो जाओगे। सही क्या है वो जान जाओगे, गलत क्या है वो जान जाओगे, और सही चीज को पकड़ने में आपका बल बढ़ेगा। और मुझ इसी प्रकार से सब जो है समाग्राम, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, सब कुछ ठीक ठीक पता लग जाएगा। यथा गेये शीतक्षिणु, बड़े ध्यान से समझो इस बात को, यानी कि इसे जानने के लिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान कह रहे हैं प्रोडक्ट बेचना है कि नहीं। एक बार प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य महान वैष्णव आचार्य, वो ग्रंथ वितरण पे जोर देते थे। ग्रंथ लेकर एक भक्त जा ही रहा था, शिष्य जा ही रहा था, पूछा बहुत अच्छे ग्रंथ वितरण कर रहे हो, तो इस ग्रंथ में लिखा क्या है। तो बोला देखो, ग्रंथ वितरण करना प्रभुपाद जी हमें आता है। वो भी बड़ा सरल था, बोल दिया पाश्चात्य देश का गुरुदेव, हम तो स्वामी जी प्रभुपाद जी हम जानते हैं ग्रंथ वितरण करना, पर ग्रंथ में क्या लिखा हमें पता नहीं। प्रभुपाद जी कि ग्रंथ अगर के बारे में आप जान लोगे और वितरण करोगे, लोग पूछेंगे ग्रंथ के अंदर क्या है, आपको पता नहीं तो लोग ग्रंथ खरीदेंगे नहीं। ग्रंथ के अंदर क्या है जान लोगे, और आप जो ग्रंथ वितरण करोगे तो लोग जो है प्रभावित होंगे और अच्छा ग्रंथ होगा, क्योंकि प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो भगवान भी कह रहे हैं, अरे भक्ति योग का प्रोडक्ट तो जान लो, तक्षणु ध्यान से सुनो। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम, इदं वक्ष्यामि अशेषता,
यजमात्रा अवशिष्यते। अब जो है मैं आपको पूरा जो है तत्व बताऊंगा। मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों, ज्ञानम ते विज्ञानम, ज्ञान का तो होता है जानकारी, विज्ञान का तो होता है विशेष ज्ञान, यानी कि साक्षात्कार के साथ ज्ञान। ज्ञान क्या है? रसगुल्ला जो है सफेद रंग का है, वो दूध का बना हुआ होता है, शक्कर का बना हुआ रहता है और गोल सा होता है, इसका वजन जो है 20 ग्राम होता है लगभग, और ये ज्ञान है। पर इससे ज्यादा जो है फर्क नहीं आएगा। पर विज्ञान यानी कि उस रसगुल्ले के मुंह में डालो तो बोल गया, अरे इससे ज्यादा और कुछ मुझे संसार में मिलाने और चाहिए। विज्ञान यानी कि ज्ञान के साथ साक्षात्कार हो जाना, इतना स्वादिष्ट है मुझे और चाहिए। तो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। तो भक्ति के बारे में सुन तो लिया, पर भक्ति करने के बाद जो आनंद का अनुभव हुआ उसका मैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इदम बक्ष्यामि अशेषता, ये अगर मैं बताऊंगा तो और कुछ जानकारी के लिए आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस संसार में आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। जीसस भी अगर कहते हैं कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, पर मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर आप लेने के लिए लायक नहीं हो। एक केजी क्लास के बच्चे को A+B तो होल स्क्वायर इक्वल टू A² + 2AB + B² बोलेगा तो बोलेगा अच्छा ABC ABC करता रहेगा, 1 2 3 1 2 3, वो समझ में आएगा। जीसस बोलते कि आप समझोगे नहीं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। पर अर्जुन भगवत गीता में भगवान अपने हृदय खोल देते हैं और सब कुछ देते हैं। इस प्रकार से जो है वो सब कुछ देते हैं। ये ध्यान से सुन लो, अगर ये ध्यान लोगे तो आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवत गीता का ज्ञान अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, ज्ञान के साथ विज्ञान भी मिल जाएगा, और इसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी करो भौतिक जगत में, हाँ आपको और जानकारी किसी, आप देखोगे कि किसी के पास उससे ज्यादा जानकारी होगा। पर भगवत गीता का ज्ञान अगर मिल गया तो इससे बढ़कर जो है आपको और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अर्जुन, ये ज्ञान मैं सबको नहीं दूंगा, चुन चुन के दूंगा, और आपको मैं चुन रहा हूँ। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यतता अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति अतत। मनुष्यानां सहस्रेषु, अब भगवान कहते हैं ये ज्ञान मनुष्यों को मैं देता हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप मनुष्य हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ये ज्ञान जो है वृक्षों को दे रहा हूँ, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये ज्ञान जो है जलचर को दे रहा हूँ, भगवान ने ये ज्ञान नहीं कहा कि पंछी को दे रहा हूँ, ये भगवान ने ये नहीं कहा कि ये ज्ञान जो है कीड़े मकड़े को दे रहा हूँ, मैं भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं पशुओं को कुत्तों को दे रहा, मनुष्यों मनुष्यों को दे रहा। और मनुष्यों में भी मनुष्यानां सहस्रेषु, और मनुष्यों में उन मनुष्य जो कि सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये, सिद्धये का अर्थ होता है जो सीधा जीवन में, जैसे शास्त्र में बताया वैसे, शास्त्र में बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठना है तो ये शास्त्र की बात है, रात को जल्दी सोना ये शास्त्र की बात है। पर शास्त्र की बात कौन पालन करता है? बहुत कम लोग पालन करते हैं। शास्त्र को तोड़ने में तो सभी लोग कलयुग में लगे हैं। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, मुंबई से आया मेरा तो दोस्त को सलाम करो, अरे ये तो शास्त्र के विरुद्ध। पर ऐसे जो सुबह जल्दी उठने वाले हैं, यानी कि बहुत लोग जल्दी उठते हैं, शास्त्र की बात है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये, ऐसे हजार लोग जो कि अच्छा मनुष्यों में, अच्छा हजार मनुष्यों में एक जो है शास्त्र की बात को मानता है, बाकी सब रात को खाओ पियो दिन को आराम करने वाले। अच्छा ऐसे हजार लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं या शास्त्र की बात मानते हैं, यानी कि कोई दूध वाला हो गया, कोई न्यूज़पेपर वाला हो गया, और इसी में ऐसे एक भक्त है, हजार मनुष्यों में एक जो है शास्त्र की बात मानता है, ऐसे हजार शास्त्र को बात मानने वालों में एक जो है मुझे जान पाता है। यानी मुझे जानना या भगवान को जानना या भगवद गीता को समझना बहुत कठिन, यानी कि एक दृष्टि से कृपा नहीं होगा तो समझ नहीं पाएंगे।
से जानना, तत्व यानी कि सच्चाई में मुझे जान पाएगा। यानी कि 10,000 में एक व्यक्ति जो है भगवान का भक्त बन सकता है या भगवान को ठीक ठीक से समझ पा सकता है। यानी कि हजार हजार यानी कि लगभग एक के बाद शून्य 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 6 शून्य लगेगा, यानी कि 10 लाख अगर कोई भक्त बनता है तो आप लोग जो है, हम लोग जो है, वो 10 लाख में एक है मन। तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो है बड़ा दुर्लभ है। तो ये ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, जान लो ये ज्ञान क्या है। अभी तक वो ज्ञान का महिमा बताया, ये ज्ञान सबको नहीं दिया जाएगा, मनुष्यों को दिया जाएगा। मनुष्यों में ही जो 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 लोग शास्त्र के जानते हैं उनको दिया जाएगा, शास्त्र में भी उनको जो भगवान को जानता है। इतना गूढ़ रहस्य भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, और ये ज्ञान अगर मिल गया तो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, और इस ज्ञान में विज्ञान भी है। तो अब ये ज्ञान क्या है, तो ज्ञान यहाँ पे बताया, भूमि अपन लो वायु हम मनोबुद्धिर्च अहंकार भिन्न प्रकृति अस्तदा। इस संसार में जो कुछ भी हम लोग अनुभव कर रहे हैं वह है पृथ्वी जल और अग्नि। ये तीन चीज हम आंखों से देखकर अनुभव कर सकते हैं, वायु को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं, खम जो है आवाज के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। मन अंदर है, बुद्धि अंदर है, अहंकार अंदर है। भगवान कहते हैं इति यम में भिन्न प्रकृति अस्तुधा। ये जो है आठ चीज जो है, इसमें पांच स्थूल है, तीन सूक्ष्म है। पांच स्थूल में तीन तो हम देख सकते हैं, दो को थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं। पांच ही चीज इस संसार में क्या है, पृथ्वी जल अग्नि को हम देख सकते हैं, बाकी दो को वायु और आकाश को जो है स्पर्श और कान कान के माध्यम से समझ सकते हैं। अहंकार का अर्थ होता है मैं हूँ, मैं हूँ भारतीय, मैं हूँ पाकिस्तानी, मैं हूँ मुसलमान, मैं हूँ हिंदू, ये मैं कर रहा ये अहंकार है। और बुद्धि ये सही है वो सही है, मेरे लिए ये सही है मेरे लिए वो सही नहीं है, ये बुद्धि का बुद्धि। मन मुझे अच्छा लगता है, मुझे हाँ मुझे मैं सोच रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करना चाहूंगा, मैं करूंगा, तो इस प्रकार का ये मन का काम। तो ये तीन चीज अंदर है बाकी बाहर है, पर जो भी है ये आठ भिन्न है। भिन्न का अर्थ है भगवान मेरा है पर मेरे से थोड़ा दूर है। जैसे जैसे मैं कहूंगा ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ है, पर ये जो है मेरा हैंडकरचिप है, मैं हैंडकरचिप को कहीं फेंक भी दूंगा तो मुझे परवाह नहीं होगा, मैं हैंडकरचिप को ऐसा मोड़ भी दूंगा या मारूंगा भी तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं हाँ हाथ को कोई मोड़ेगा तो मैं बोले दर्द होता है, कहने का होता है भगवान कहते हैं मेरा भिन्न प्रकृति है, ये मेरा है पर मेरे से थोड़ा दूर है, मेरा ही है पर मेरे से, ये रुमाल मेरा है पर मेरा हाथ जो है ना। तो इस प्रकार से ये भिन्न प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु। दूसरे शब्दों में भगवान अर्जुन से ज्ञान है, विज्ञान क्या है, देखो देखो अगर आप पृथ्वी को देखते हो, जल को देखते हो, अग्नि को देखते हो तो देखो मुझे देखो। जैसे प्रभुपाद जी एक बार लंदन में थे, एक पार्क में गए, लंबा सा एक दीवार था दूर, तो प्रभुपाद जी के वो नया शिष्य लंदन का था, पाश्चात्य देश का, बोला प्रभुपाद जी मेरा एक जिज्ञासा है, प्रश्न है, अगर आपका आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं। तो प्रभुपाद जी ने प्रोत्साहित किया, प्रश्न पूछो। तो आप कहते हो कि भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, तो बताइए भगवान दीवार के उस कोने में है या इस कोने में, अगर दोनों कोने में तो उस कोने में कौन से पोज में खड़े हैं, और इस कोने में तो बांसुरी का ऐसा पकड़ हो, इस कोने में तो उनका कपड़े का रंग क्या है, इस कोने में तो। तो भगवान प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे। जब भक्त भगवान को हर जगह अनुभव करते हैं, वैसे तो भगवान सर्वत्र है ही है, पर भगवान जब भक्त जब भगवान को सर्वत्र अनुभव करता है, वो प्रेमी भक्त है, इस प्रकार से अनुभव करता है, जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करता है, उसका बेटा जो है हॉस्टल गया, हॉस्टल गया तब जो है
तब जो है माँ जो है उनके कमरे में जाता है, बोलता है ये मेरे बेटे का नोटबुक है, ये मेरे बेटे का स्वेटर है, ये मेरे बेटे का जूता है, मोजा है। पर वो हर चीज को देखकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कर रहा। वहीं पे कोई काम वाली आ गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोले ये जूता है, ये मोजा है, ये है वो है। जब प्रेम होता है तो मोजे को देखकर कौन याद आता है? बेटा याद आता है। जूते को देखकर कौन याद आता है? बेटा याद आता है। इसी प्रकार से भक्त जो है पृथ्वी को देखता है तो किसको, ये मेरे कृष्ण का पृथ्वी है, ये जो है मेरे कृष्ण का वायु है, ये मेरे कृष्ण का अग्नि है, कृष्ण को स्मरण करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु को देखकर किसको स्मरण करते हैं? भक्त लोग भगवान को। इस प्रकार से ओपा जी इतनी आसानी से इतनी जटिल बात को उस भक्त को समझाया कि भगवान को कैसे भक्त हर जगह पे अनुभव करते हैं। भिन्न प्रकृति अस्तदा, पर मेरा क्या है? अपरायमितस्ते अन्य प्रकृति विधि में परम जीव भूत महाबाहो या इदं दार्यति जग। इसके अलावा जीव है या जीवात्मा है या आत्मा है, ये तीनों एक ही तत्व को दर्शाता है, यानी कि आत्मा को, सोल को। तो ये अपरा अयमितस्ते अन्य, इस प्रकार से अपरा शक्ति में आठ अपरा शक्ति वो हो गया, अपरा शक्ति में अवरक्त अपरा शक्ति है, वो क्या है? प्रकृति में विधि पर, वो प्रकृति में आता है पर उन आठों से परे श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर चेतना है और वो जो है इन आठों को अपने वश में कर सकता है। इसका नाम है जीव भूत महाभाव। ये महाभाव अर्जुन जानो कि आत्मा जो है इन आठों से श्रेष्ठ है क्योंकि उसके अंदर चेतना है। अब पत्थर में, पत्थर निकृष्ट जो है उसके अंदर चेतना नहीं, उसे लात मारो जलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, पत्थर जो है वहीं पड़ा है तो वहीं पड़ा, पर हमारे, हम जब तक एक आत्मा उसको पत्थर को इधर से उधर नहीं करेगा, पत्थर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आत्मा है उसके अंदर चेतना है और वो बुद्धि और मन और अहंकार को लेकर इन चीजों को जो है इस्तेमाल कर सकता है। आत्मा बुद्धि मन अहंकार को लेके बाकी पांच चीजों को भी इस्तेमाल कर सकता है, या इदम धार्यते जगत, इसलिए बहुत श्रेष्ठ है। जीव अपराण इतस्ते अन्य प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाभावो, ये मेरे हैं कहते हैं, विधि में पराम ये मेरे हैं, और वहां पे भिन्न प्रकृति का, यानी कि ये जीव जो है मेरे थोड़े नजदीक हैं और बाकी आठ मेरे हैं पर थोड़ा दूर है। जैसे रुमाल जो है थोड़ा दूर है, हाथ जो है बहुत मेरे हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान ज्ञान दे रहे हैं नौ चीज के बारे में, आत्मा और आठ भिन्न प्रकृति के बारे में। ये सब जो है अर्जुन मुझसे आता है, भगवान कहते हैं ये किससे आता है? ये भगवान जो है कहते हैं कि ये मुझसे आता है। बताइए है कोई माइकल लाल जो कहेगा कि पृथ्वी जल अग्नि को मैंने मुझसे आया है कोई? हाँ, माइकल लाल जो कहेगा, माँ का बेटा लाला कहेगा कि हम ये पृथ्वी जल अग्नि को मैंने निकाला। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि को निकाल दे, सॉलिड लिक्विड गैस तो सुबह सुबह निकाल देते हैं, पर वो वैसा ऐसा बात नहीं है। पर अगर मान लो कि हमने कुछ खाया पिया नहीं तो सॉलिड लिक्विड गैस भी नहीं निकलेगा, सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये सब मुझसे आता है। एतद्योनानि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्ण स जगत प्रभव प्रलयस्तथा। ये सब जो है भिन्न प्रकृति हो या आत्मा हो, ये सब मुझसे आता है और मैं इस सबका कारण हूँ। प्रभव प्रलयस्तथा, मैं इन सबका कारण हूँ। हम भी, हम भाई कोई कह सकता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु का मैं कारण हूँ? हाँ, है किसी में इतना हिम्मत? प्रलय प्रभस्तता, है कोई माइकल लाल इस संसार को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है? पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, वो नष्ट हो जाएगा? हाँ, पर नहीं कर पाएगा, भगवान कर सकते हैं।
मत्परत्र नान्यत् किञ्चिद् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिघन इहा। भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर कोई सत्य है नहीं, आज तक ये बात किसी ने कभी कहा नहीं, शिव जी ने भी नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, या ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा, या गणेश जी ने ऐसा कहा। ब्रह्मा जी से कहते हैं ईश्वर सर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, परमेश्वर भगवान कृष्ण है। और शिव जी कहते हैं कि देवी सुन लो, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्या परतरम देवी तद्या सम आचरा। तो आराधना नाम सर्वेशम सबसे पूज्य में श्रेष्ठ जो है कृष्ण है, उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा। तो इस संसार में जब तक कोई व्यक्ति अपने सही बुद्धि में होगा तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और ऐसा कहने का हिम्मत कोई जो है माइकल लाल नहीं कर सकता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। शिव जी भी ऐसा नहीं कहते, मैं सर्वम इदम प्रोक्ता हूँ, और इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है वास्तव में इसके पीछे मेरा हाथ है। सूत्रे मणिगण यह, जैसे एक बच्चा देखता है कि फूल का माला है या एक जप माला है, वो कम बुद्धि वाला बच्चा सोचेगा अरे एक मणि दूसरे मणि से लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, कितने अद्भुत अलग अलौकिक विलक्षण में बात है। पर जो समझदार पिता होगा बोलेगा बेटा एक मणि दूसरे से लगा हुआ है पर इसके पीछे एक सूत्र है, सूत्र का अर्थ होता है एक रस्सी है। इस प्रकार से जित संसार में जो भी कार्य घट रहा है, एक पत्ता भी हिल रहा है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। तो ये भगवान के हाथ को बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है, जैसे बच्चे जो है मणि को देखता है पर सूत्र को नहीं देख पाता है। इसी प्रकार से संसार को हम चरम चक्षु से देखते हैं तो पृथ्वी जल अग्नि वायु को दिखता है, पर उसके पीछे जो हाथ है वो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का हाथ है। अपनी वो जगन्नाथ है, वो केवल बुद्धिमान भक्त लोग ही देख पाते हैं। इतनी बड़ी बात आज तक किसी ने कहा नहीं, ना कह पाएगा, ना भूतों ना भविष्य, क्योंकि भगवान है उतने बड़े, इसीलिए वो कहते हैं छाती ठान के मैं सबसे बड़ा हूं। तो है कोई भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है। अब जितनी भी बातें बताए ये 9 प्रकार के चीज, हाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार और उसके बाद आत्मा, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है वो अब बताया जाएगा। विज्ञान का एक और अर्थ जो श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान भगवान के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में, भगवान के लीला के बारे में, इसको विशेष ज्ञान कहते हैं, या विज्ञान जो भी है ज्ञान विज्ञान अस्तिकम। तो इस प्रकार से रसोहम अप्सकौन्तया प्रभास्मि शशि सूरया प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पुरुषोनेषु। अब ध्यान से सुनो किस प्रकार से भगवान का हाथ सब चीज में है। चल भगवान पानी में कैसे है, पानी तो हम देख सकते हैं, पानी में स्वाद के रूप में है। भगवान कैसे सूर्य में है, वो प्रकाश के रूप में सूर्य में है। और भगवान चंद्रमा में कैसे हैं, वो प्रकाश के रूप में है। वेदों में कैसे हैं, प्रणव यानी कि ओंकार के रूप में है। और आकाश में कैसे हैं, शब्द के रूप में। अगर एक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, हाँ मेहनत कर रहा है, तो उस व्यक्ति में भगवान कैसे हैं, उसके अंदर शक्ति के रूप में है। मान लो वो व्यक्ति है उसमें शक्ति नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। मान लो एक सूर्य का गोला है पर उसमें रोशनी नहीं तो कुछ काम का नहीं। तो इसी प्रकार से पानी में स्वाद होता है तो वो पानी जो है वास्तव में पवित्र होता है। जैसे नमकीन पानी है पानी पर वो हमारे स्वाद को भाता नहीं है, पर हिमालय में जाओ या गंगा गंगोत्री में जाओ पानी पीते ही शरीर में भी ताकत आता है और शरीर में फुर्ती आ जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वो पवित्र है। सूर्य का प्रकाश को देखेंगे सुबह के समय तो इतना आनंद का अनुभव होता है। तो चंद्रमा का किरण से
मन को शांति मिलता है। तो ये ओम 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 सुनते हैं तो मन शांति होता है। तो इस प्रकार से जो है कोई कह सकता है कि मैं पानी का स्वाद हूं, वो पानी तो निकाल सकता है अपने शरीर से पर उसमें बदबू आता होगा, पर पानी का स्वाद जो है भगवान है, पवित्र जल, पुण्य गंध पृथ्वी तेजस्चास्मिन् विभवशो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्चास्मिन् तपस्विषु। मान लो कि कोई व्यक्ति, अभी देखिए पृथ्वी, पृथ्वी का सबसे के अंदर भगवान कैसे हैं, सुगंध के रूप में, और जो है अग्नि के अंदर भगवान कैसे हैं, ताप के रूप में, जितने भी जीवात्मा हैं उनके अंदर भगवान कैसे हैं, एक उनके अंदर जीवन है, वो चलता फिरता रहता है इस प्रकार से, जीवन के रूप में, और एक तपस्वी है, तपस्या कर रहा है, तो तपस्वी के अंदर जो है वो तप के रूप में भगवान जो है पाया जाता है। पुण्य गंध पृथ्वी च, सुगंधित फूलों में सुगंध आ रहा है, वो किधर से आ रहा है, भूमि से आ रहा है, वो पृथ्वी जिसमें अच्छा सुगंध आता है वो बहुत ही पुण्य माना जाता है। कभी कभी हम जाते हैं, हाँ रास्ते में कचरा पड़ा होता है, बदबू आता है, वो अपवित्र, पर भगवान कहते हैं वो भूमि जो सुगंधित है वो जो है पवित्र भूमि में विचार पवित्र होंगे, उसका एक प्रभाव अलग होगा। जैसे शंकराचार्य ने देखा सांप और मेंढक जो है एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहा है, गर्मी है, पहाड़ है, सबसे ऊंचे पहाड़ में एक सांप जो फन को फैलाया हुआ है और उस फन से मेंढक को छांव दे रहा है, सांप तो मेंढक को खा लेता है, तो देखा भूमि का प्रभाव है, और वहीं पे उन्होंने अपना जो है आश्रम, पहला आश्रम खोल दिया। वहीं पे कृष्ण और बलराम, बलराम कृष्ण राम और लक्ष्मण चल रहे थे, 14 साल का वनवास पूरा ही हो रहा था, सीता की खोज में एक जगह पे आया तो लक्ष्मण राम जी को गाली देने लगे, राम जी मुस्कुराने लगा, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो, बोलने वाला कौन है आप, बोलने वाला कौन है तुम, राम जी ने उनको खींचा, फिर बाद में बताया ये स्थान जो है, फिर बाद में लक्ष्मण जी कहा मैंने आज तक आपको कभी सपने में भी मन में भी विचार किया डांटने का, आज तो डांट दिया, फटकार दिया, बोला आपका गलती नहीं, वो स्थान का गलती है, अपवित्र स्थान। हाँ स्थान का भी बड़ा प्रभाव होता है, पुण्य गंधम पृथ्वी, उसमें एक सुगंध आता है, तेजस्चास्मिन् विभवशु, मान लो कुछ जल रहा है तो उसमें ताप आना चाहिए, अग्नि है। एक बार एक होटल, 5 स्टार होटल में गए थे, हम देख रहे थे एक ऐसा लग रहा था कि अग्नि जल रहा है, पर देख सामने जाकर देखा तो नीचे से हवा चल रहा था, पीले पीले जो है कागज जो है हल्का था, हवा के कारण हिल रहा था, पर देखा सामने तो ताप नहीं आ रहा था, अग्नि है तो ताप आना चाहिए, वो ताप भगवान देते हैं। तो जीव सर्वभूतेषु, अगर हम आत्म, चूहा है, बिल्ली है, मछली है, वो सब घूम रहा है क्योंकि आत्मा है और वो आत्मा भगवान से आता है, तो इस प्रकार से तपस्वी तप कर रहा है, तो तपस्वी इसलिए तप कर पा रहा है, वो अपने से नहीं कर पा रहा है, भगवान ने उनको तप करने का जो है जो है गुण दिया है, इस तब जाके वो तपस्या कर पा रहा है। बीजा माम सर्वभूतानां विदिपात सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमान्तं चास्मिन् तेजस्चास्मिन् तेजस्विनाम। इस प्रकार से जितने भी जीव हैं उनका भगवान की अनगिनत शक्ति है, भगवान जो है करें, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको गर्व नहीं करना चाहिए, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, भगवान ने जो है उनको बुद्धि दिया, ये ब्राह्मण के लिए, और एक क्षत्रिय बहुत ही तेजस्वी लग रहा है तो उसको गर्व नहीं करना है, देखो मैं कितना तेजस्वी हूँ, उनको विनम्र होकर कहना चाहिए ये भगवान जो है मेरे अंदर ये तेज दिया,
बीजामाम सर्वभूतानाम, इस प्रकार से जितने भी जो जो कुछ भी संसार में उसका बीज जो है भगवान है, चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, या जितने भी जीव हैं उन सब का जो है स्रोत कौन है? भगवान है। बीज कौन है? भगवान है। तो दूसरे शब्द में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब का बीज कौन है? कृष्ण है। अतः तो हमारे पिता हो गए। या तो दूसरे शब्दों में अगर ये गीता का ज्ञान होगा, हम आपस में भाईचारा होगा। आज इतने भी लड़ाई जो हो रहा है इसलिए क्योंकि गीता का ज्ञान नहीं है। बलम बलवंताम चाह कामराग विवर्जिता धर्म भूतेषु कामोस्मि भरतरीश। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया जाता है कि बलम बलवंता चाहूं, बल अगर किसी में देखा जाता है ना, बॉक्सिंग करके मुक्काबाज, तो एक बार मोहम्मद अली जो है सबको मुक्का मार मार के गिरा रहा था और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूँ। तो फिर कुछ साल के बाद उनको ऐसा रोग लगा, पार्किंसन डिजीज, तो दूध का प्याला भी उठा नहीं पा रहा था। तो फिर रिपोर्टर आया, आप तो कहते हो आई एम द ग्रेटेस्ट, वो कहा अब भी मैं कहता आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं ग्रेटेस्ट हूँ। तब तक उन्होंने धर्म को स्वीकार कर लिया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिया। मैं तब कहा आई एम द ग्रेटेस्ट, पर अब मैं कह रहा आई एम द ग्रेटेस्ट, फिर एक और अंग्रेजी शब्द जोड़ दिया, फूल। तब मैंने कहा मैं सबसे महान हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ मैं सबसे महान हूँ, पर एक शब्द इस्तेमाल कर जोड़ूंगा, वो है मूर्ख। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, ये कहने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हूं। तो भगवान सबसे बड़ा है, बलवान है, भगवान ने उनको बल दिया और बल निकल गया तो उसको समझ गया वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो बल है तो ठीक है, भगवान ने दिया तो भगवान का सेवा करना चाहिए। काम राग विवर्जिता, पति के पत्नी के प्रति जो है आकर्षण है, उनसे संतान उत्पन्न होते, पर वो पति और पत्नी जो है काम राग, वो जो है विवर्जिता, इस प्रकार के भौतिक शारीरिक आकर्षण के बगैर केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार से कर्दमुनि देहूति या जिस प्रकार से जो है स्वयंभू मनु इत्यादि जो है स्वयंभू मनु और उनके धर्मपत्नी शिव पार्वती, ये सब जो है पवित्र विचार से शरीर को स्पर्श करते हैं, इससे जो संतान उत्पन्न होंगे या तो साक्षात भगवान होंगे या तो भगवान के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि होंगे। धर्म अविरूढ़ भूतेषु, पति पत्नी तो स्पर्श करते हैं शरीर को, पर उसमें अगर काम वासना नहीं होगा, भोग का इच्छा नहीं होगा, संतान पवित्र विचार होगा, उस ऐसे माता पिता से जो है भगवान आएंगे या भगवान का बड़ा प्रतिनिधि आएंगे। आज संतों का ब्रज के मान संतों में से एक संत कह रहे हैं, बहुत सारे पुण्य आत्मा कलयुग में आने के लिए तैयार हैं, पर उनको उस प्रकार का पवित्र माता पिता का आश्रय नहीं मिल रहा है। कामोस्मि भरत ऋषभ, उस प्रकार का जो है काम वासना, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। रजस्तमश्च, इस प्रकार से जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी आप सुनते हो, जो कुछ भी आप जानते हो, वो सब मुझसे ही आता है, ये कहने वाला है कोई? पृथ्वी जल अग्नि वायु सब मेरे से आया। हाँ हम बोलेंगे हाँ, सुबह सुबह निकालते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस। अरे इस प्रकार से इसका कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है और ये सब मेरे नियंत्रण में है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस तो निकलते, पर पेट को कंट्रोल करके दिखाओ। जहां देखो वहां गैस छोड़ के जाओ, तो कंट्रोल करना आना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे से निकलता है और कंट्रोल में भी रहता है। इस प्रकार से हाँ, चाहे वो सत्वगुण में हो या रजगुण में हो या तमगुण में हो, ये सब मेरे शक्तियां हैं और ये
ये सब मेरे अंतर है, मैं उनके अंदर नहीं हूँ। ये तीनों गुण जो है पूरे भौतिक जगत को नियंत्रित करता है, और वो तीनों गुण मेरे अंदर है। भौतिक जगत तीनों गुणों के अनुगत है, और ये तीन गुण मेरे अनुगत है, मैं उनके अंदर नहीं हूँ। ना तू ना तो अहम तेषु ते मयि। तो इस प्रकार से जो है भगवान वो कह रहे हैं कि उनके वो कितने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली भगवान है। तो अर्जुन का एक प्रश्न उठता है, आप इतने महान हो, आप इतने महान हो तो सब कुछ आपसे आता है, और लोग इस बात को क्यों नहीं जान पाते हैं? सब कुछ आपके आपसे आ रहा है आपने कहा, पर लोग इस बात को जान क्यों नहीं पा रहे? तब जो है हम भाग तीन के और प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर भगवान बताएंगे कि 13वें नंबर श्लोक से 19वें नंबर श्लोक में जीव जो है प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाते हैं, और वो सच्चाई को जान नहीं पाते हैं। त्रिभिर् गुणमयीर् भावैरेव सर्वमिदं जगत् महितं न विजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। वो नहीं जानते हैं, मोहित हो जाते हैं, ना भी जानाति, वो नहीं जानते कि ये सब मेरे से आया हुआ है। नाभ्य परम अव्ययम्, वो नहीं जानता है कि ये मैं परम हूं, मैं अव्यय हूँ। इस बात को वो लोग समझ नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो है वो लोग जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, इसीलिए वो मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं ये तीनों गुणों के परे हूँ। अर्जुन कहने, हे कृष्ण, जीव जो है तीनों गुणों के परे कब हो गए? कृष्ण कहते हैं, इन तीनों गुणों के परे होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कहते हैं कि दैवी ऐसे गुणमयी ते। क्यों कृष्ण क्यों? तो कृष्ण कहते हैं, ये तीनों गुणों को पार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तीन गुण मेरे अनुगत है, ये तीन रस्सी जैसे है, और ये तीन रस्सी जो है अकेले अकेले मेरे तीनों जो है अच्छी तरह से घुल मिल गया है। अब जो है इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल है, एक छोटा सा धागा होगा तो तोड़ सकते हैं, अनेक धागा अगर एक साथ मिल गया तो रस्सी बनेगी, और रस्सी को तोड़ना मुश्किल है। इस रस्सी से सभी बंधे हुए, ये तोड़ नहीं पाएंगे, पर क्या किया जा सकता है, सब लोग बंधन में है। तो कृष्ण कहते हैं, एक सुंदर जो है उपाय है, अगर वो जीव मेरा शरणागत हो जाएगा, ये जो दैवी ऐसे गुणमयी, ये तीनों गुणों के द्वारा ये जो है जीव फंसा हुआ है और ये निकल नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि ये मेरी दैवी शक्ति है, वो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वो दैवी गुण क्या है, मेरी है। पर अगर वो मेरा शरण लेगा, मामेव प्रपदान्ते माया में तांतरंत, अगर वो मेरा शरण लेगा तो बड़े आसानी से जो है ये दुख के समंदर को पार करेगा, ये तीनों गुणों का जो प्रभाव है इसे पार कर लेगा। जैसे एक अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, मान लो कि कोई बड़े सेठ से मिलने जा रहे हैं, और वो सेठ जो है बहुत पैसा है उसके पास, तब कहता है कि उसे 10 लाख लेने जा रहे हैं, तो गेट खोलते हैं और उनसे मिलने जाते, तो उनका कुत्ता जो है वो भाव 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 करने लग जाता है। तो हम डर जाते हैं, अरे अभी 10 लाख चाहिए, पर ये क्या है? फिर हम बोलते हैं, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। तो सेठ जी बोला, टॉमी श्रैप। तो फिर वो कुत्ता करके बैठ जाता है, तो फिर वो चल के आता है। तो इसी प्रकार से जीव अगर असली सेठ को बुलाएगा, सबरिया सेठ को बुलाएगा, कृष्ण सेठ को बुलाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, शरणागत, तो माया को बुलेगा, शरण, ये जो है पूरी तरह से शरणागत हो गया, तो प्रकृति का तीन गुण जो है हमारे पर हावी नहीं होगा, प्रभाव नहीं कर पाएगा। बात हमारी ओर से, क्या हम शरणागत होने के लिए तैयार है? हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हमें कटिबद्ध होना चाहिए, अब से लेके शरीर छोड़ने तक पूरी तरह से शरणागत होकर भगवान का नाम लेंगे, ताकि ये जो टॉमी है भगवान का, जो प्रकृति के तीन गुण है, वो शटात हो जाएगा, हमें तंग नहीं करेगा। अर्जुन तो बहुत खुश हो जाता है, अरे 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 अरे, बहुत अच्छा, ऐसा है तो
इस संसार के सारे लोग जो है आपके शरणागत हो जाएंगे। पर भगवान कहते नहीं, चार प्रकार के कम बुद्धि वाले वो कभी मेरे शरण में नहीं आएंगे। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरधमा माया परिता ज्ञान असुरं भाव आश्रिता। चार प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आएंगे। वो कौन है? नामाम दुष्कृत नो, वो दुष्कृत है यानी कि वो लोग जो है बहुत जो है बदमाश है। वो बदमाश है, वो लोग जो है वो कभी मेरे शरण में नहीं आएंगे। कौन है वो लोग? वो लोग बहुत ही घमंडी है, वो लोग जो है पूरी तरह से भ्रमित है, वो लोग अंधे हैं, वो मेरे शरण में कभी नहीं आएंगे। ऐसे चार प्रकार के है। एक जो है मूढ़ है, मूढ़ का अर्थ होता है वो जानवर है, जानवर की तरह मेहनत करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, वो तो काम करेगा, मेहनत करेगा और कर्म ही जो है सब कुछ है, वो जानता रहेगा, वो मेरे बारे में कभी नहीं सुनेगा और वो जो है दुनिया के फिल्म के गाने इत्यादि को सुनेगा जो कि शास्त्र में मना किया, त्यागने के लिए बताया। जिस प्रकार से त्यागा हुआ चीज को एक सुअर खाता है, उस प्रकार से ये जो है व्यक्ति जिस चीज को शास्त्र त्यागने के लिए बोलता है उसी को जो है सुनता है, देखता है। और दूसरा है नराधमा। नराधमा है कि वह ये ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य का जो शरीर तो प्राप्त कर लिया है पर वो नशा इत्यादि करके जो है धर्म के और आ नहीं पाता है। ऊंचे परिवार में जन्म लिया पर बुरे आदत के कारण या तो वो व्यभिचार में लग जाता है या नशाखोर में लग जाता है या मारा मारी में लगता है पर मेरे भक्ति में नहीं लगता है। तीसरा जो है बहुत ही बुद्धिमान होते हैं पर ये लोग इतने बुद्धिमान हो जाते हैं वो जीवन के लक्ष्य को ही नहीं जान पाते हैं। माया अपरित ज्ञानम, वो जो सोचते हैं कि भगवान नाम का चीज नहीं है, ये पूरा संसार चल रहा है, सूर्य चल रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, इसके पीछे जो है वैज्ञानिक कुछ कारण है, ये लोग नास्तिक होते हैं। और इस प्रकार से वो सोचते हैं कि ये जो संसार जो है ये शक्ति चला रही, इसके पीछे शक्तिमान भगवान नहीं है। और चौथा जो है माया अपरित ज्ञान असुरिन भाव आश्रित, ये जो है जरासंध जैसे हिरण्यकशिपु जैसे लोग होते हैं जो कहता है कि भगवान को हम मार डालेंगे, भगवान को जो हम जो है खत्म कर डालेंगे, ये मेरे शरण में नहीं आते हैं अर्जुन, ये कभी मेरे शरण में। तो कौन आपके शरण में आएगा कृष्ण? कौन आपके शरण में आएगा? चिंता मत करो अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति नो अर्जुना, अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋष। चार प्रकार के लोग जो है मेरे शरण में आएंगे। कौन है ये चार प्रकार के लोग? ये सुकृतिमान है, ये लोग अच्छे लोग हैं। ये चार प्रकार के लोग जो है मेरे भक्ति में आएंगे। एक होता है चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति नो अर्जुना अर्थ, एक जो है बहुत ही दुखी है, उसके जीवन में माँ बीमार है या खुद बीमार है या कोई परिवार बीमार है, तो वो कहता है किसके पास जाऊं? भगवान के पास जाएंगे। बोले जिसका कोई नहीं उसका भगवान है यारो करके आ जाता है और वो मेरे पास में आता है। दूसरा जो है मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, धन धनाधन धन चाहिए, तो बोले कौन देगा धन? सबसे बड़ा जो है सावरिया सेठ है तो मेरे पास आता है। तीसरा जो कहता है सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलेगा? डिस्कोटेक में मिलेगा, थिएटर में मिलेगा, या क्लब में मिलेगा, या पब में मिलेगा? और देखता है कि यहाँ तो बहुत लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे अच्छा, मुझे लगता है कि असली सुख मिलेगा। और चौथा जो है ज्ञानी है, वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण है, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी है, भगवान स्वामी है और मैं जो है उनका दास हूँ। मैं इस प्रकार से जो है भगवान परमात्मा कृष्ण परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ जान लेता है और उसमें लग जाता है और वो भक्ति में लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है जब मैं नया भक्त बनने के लिए 1996 में प्रभात सेंटिनल में झूठ पूछा तो मुझे प्रश्न पूछा गया था, आप अगर मंदिर आए हो तो चार प्रकार के लोग जो है भगवान के शरण आते हैं, तो आप भगवान के शरण आए तो ये चार में कौन से हो? अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी छबर सर। मैंने कहा मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, अभी पता लगा कि मैं आत्मा हूँ। अब भगवान कौन है वो भी पता नहीं था, कभी शिव जी तो कभी गणेश जी तो मानता था, तो अभी पता लगा कि कृष्ण भाई, तो मैं ज्ञानी नहीं। तो जिज्ञासु हो सकता हूँ, कभी मैं इधर खुशियों के लिए जाता था उधर के, ये भी था और दुख भी था, तो वो भी है। अब पैसे की भी बहुत आवश्यकता थी,
ऐसा आवश्यकता नहीं थी, पैसे कमाने की बहुत इच्छा थी, तो ये तीन चीज जरूर है मैं जो है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग कृष्ण के शरण में आ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, तो ये चार में से या तो चारों तीन कारण हो सकता है या एक कारण हो सकता है, या तो हम ज्ञानी हैं या जिज्ञासु हैं या सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये जो है सकाम भक्त होते हैं, ये जो ज्ञानी अर्थ अर्थात जिज्ञासु जो है सकाम भक्त होते हैं, पर इसमें से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक बार भगवान के सेवा में आ गया, शरण में आ गया, वो भगवान के शरण को कभी नहीं छोड़ेगा। पर एक दुखी व्यक्ति अगर भगवान के शरण में आएगा, उसका दुख पूरा हो जाएगा, क्या कैंसर मिट जाएगा, वो भगवान को भूल सकता है। धनवान धन के लिए कोई आया, धन मिल गया तो भगवान लॉटरी लग गया, वो भगवान को भूल जाएगा। और तीसरा जो है रथ यात्रा में नाचा इधर नाचा, और मान लो कि एक दिन डिस्को में बहुत ज्यादा खुशी हो गई तो भगवान का भक्ति छोड़ सकता है, पर ज्ञानी जो है भगवान का भक्ति छोड़ेगा नहीं। तो अर्जुन पूछे इन चारों में श्रेष्ठ कौन है कृष्ण? तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ति माम जन सुकृतिना अर्जुन अर्थ जिज्ञास अर्थात ज्ञानी च भरत ऋषभ। इनमें से ज्ञानी जो है मेरे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशेषते प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम् स च मम प्रिया प्रिय ही ज्ञानी अत्यर्थम बहुत ही प्रिय है। हाँ? और अहम् स मम प्रिया वो मुझे जानते हैं और मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते हैं, ऐसे भक्त को मैं जानता हूँ। साधु हृदय मह्यम हाँ साधु नाम हृदय हम। हनुमान जी से कहा कि क्या आपके हृदय में सीताराम है, तो फाड़ के दिखाए सीताराम। तो साधु मुझे हृदय में रखते हैं और ऐसे साधु को मैं अपने हृदय में रखता हूँ। तो इनमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है। और बाकी तीन हाँ भले वो भगवान के शरण में आया है, पर उनके एक शुद्ध भक्त का अगर संग मिलेगा तो वो भी बड़ा महात्मा बन सकता है। जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि का संग मिला, जैसे गजेंद्र को भी जो है संग मिला, तो इस प्रकार से चार कुमारों को ब्रह्मा जी का संग मिला, तो जिज्ञासु भक्त बन गए, अच्छे भक्त बन गए। तो ज्ञानी जो है पूरी तरह से मेरे भक्ति में लग जाता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है अपना, या वो कभी दुखी नहीं होता है क्योंकि वो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से जो है वो पूरी तरह से मेरे भक्ति में लगा रहता है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि वो मुझसे कितने प्यार करता है, इतना प्रेम वो मुझसे करता है। ये ज्ञानी जो है पूरी तरह से मुझसे आसक्त है, मेरा सेवा करता है। हे कृष्ण, ये ज्ञानी इसीलिए सेवा कर रहा है, अर्जुन पूछ रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त होना है? नहीं अर्जुना, वो उस प्रकार का ज्ञानी नहीं, उनका एक ही लक्ष्य है, वो ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं मेरा सेवा और अच्छी तरह से करे। वो मायावादी ज्ञानी की तरह नहीं है वो। इस प्रकार से मेरा जो है स्वयं रूप सच्चिदानंद स्वरूप ये जो अखिल रस अमृत मूर्ति रसराज रसिक शेखर का ये जो रूप है सड़ ऐश्वर्य पूर्ण से, उससे पूरी तरह से आसक्त रहता है। और इस प्रकार से मेरे गुण रूप नाम रूप लीला में पूरी तरह से आस्वादन करने में लग जाता है, वो मायावादी जैसे ज्ञानी नहीं रहता है। तो ये ज्ञानी जो है आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से चाहते हो, पर इन ज्ञानियों में से बाकी तीन का क्या? क्या वो लोग आपको प्रिय नहीं है? तो कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, ये चार ठीक है, कम से कम मेरे पास तो आए। उदार सर्व एव इति ज्ञानी तव आत्मा एव मे मतम आस्तीत साहि युक्त आत्मा माम एव अनुत्तम गति। उदार सर्व एव इति, आखिर में उतने बुरे भी नहीं, कम से कम मेरे पास आया है, अच्छी बात है, मैं उसका दुख दूर करूंगा, पैसा दूंगा या उसका जिज्ञासा दूर करूंगा कि मैं। पर ज्ञानी जो है वो मेरे जैसे ही है, ज्ञानी जो है जैसे ज्ञानी तब आत्मा एवं मैं मतम, ज्ञानी जो है मेरे जैसे ही है, क्योंकि ये ज्ञानी जो है वो जो है ना तो स्वर्ग मांगेगा ना तो मुक्ति मांगेगा ना तो भुक्ति मांगेगा ना तो जो है त्याग करेगा। भुक्ति वो जो है
ना तो भोगी बनेगा ना त्यागी बनेगा, वो केवल भगवान का योगी बनेगा, यानी कि सेवा में लग जाएगा। वो पूरी तरह से भगवान के आश्रय में रहता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वो जो है दुनिया का दौलत भी दे जाए, वो दौलत को त्यागेगा और मुझे कभी त्यागेगा नहीं। हे कृष्ण, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना श्रेष्ठ ज्ञानी बनने में कितना समय लगेगा, ये आप कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो कुछ भी है वासुदेव के द्वारा हो रहा है, कृष्ण के द्वारा हो रहा है। तो ये जो है ज्ञानी महात्मा जो है बहुत ही दुर्लभता से आता है, पर बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत 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 जन्म के बाद जो है ऐसा जीव जो है बहुत कृपा प्राप्त करने के बाद, हर जन्म में कृपा प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, जो है ये जान लेता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत ही सुदुर्लभ है जो जान लेता है, पर उसे बनने के लिए कितना समय लगेगा, बहुनाम जन्मनाम अंते। अच्छा मैं समझ गया, कि अर्जुन कहते हैं ठीक है मैं समझ गया कि कुछ लोग जो है भौतिक इच्छा के साथ आते हैं, पैसे क्या रहते हैं, दुख दूर करने के रहते हैं, जिज्ञासा क्या के कारण है। पर इसी प्रकार से मैंने देखा बहुत सारे दुखी लोग आते हैं, पर वो आपके पास नहीं आते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, या धन के लिए आते हैं, पर वो आपके पास नहीं आते हैं, पर देवी देवता के पास आते हैं। देखिए चार प्रकार के दुष्कृतिवान मनुष्य के वर्णन हुआ, चार प्रकार के सुकृतिवान यानी कि आठ प्रकार का मनुष्य का वर्णन, अभी देवी देवताओं के उपासक का वर्णन आ गया, नौ प्रकार के मनुष्य हो गए। तो भगवान कहते हैं हाँ ये देवी देवता के उपासक हैं। श्लोक 17, 18, 19 में देवी देवता का उपासना क्यों निंदनीय है, तुच्छ है, या निंदनीय नहीं है पर बहुत कम है, भगवान का भक्ति इससे श्रेष्ठ है, बताया जाएगा भाग नंबर 4 में। वो कम बुद्धि वाले होते हैं, अल्प मेधसा कहते हैं, कामेश्वर प्रपदान्ते अन्य देवता ताम ताम नियम आस्था प्रकृति नियता स्व। उनके अंदर इतना कामना होता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ। वो सोचते हैं कि अगर विष्णु के पास जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, पर सूर्य के पास जाएंगे तो जल्दी से मैं ठीक हो जाऊंगा। काम ज्ञान प्रपदन्ते आनंद, इसलिए वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। काम वासना जो उसके चेतना वो ज्ञान को निकाल लेता है, वो कामना शिव जी के पास नहीं आते, कृष्ण के पास नहीं आते। ताम ताम नियम आस्थाया, इस प्रकार से जो भी नियम होगा कि सूर्य रविवार को सूर्य को प्रणाम करना है या मंगलवार को गणेश जी को प्रणाम करेगा, प्रकृति नियत स्वयं पूरा मेहनत करेगा। इस प्रकार से उनका जो है ज्ञान कि कृष्ण सब कुछ करता है, हाँ वासुदेव सर्वमिति वो भूल जाता है, सर्व कारण कारण भगवान है वो भूल जाता है, और इस प्रकार से देवी देवता के प्रति आकर्षित हो जाता है। यो यम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धम ताम एव वेदा दमी अहम। देखिए भगवान कितनी दयालु है, ठीक है वो देवी देवता के पास जा रहा है, जाने दो देवी देवता आखिर में मेरे पास ही तो भेजेंगे, ठीक है तो मैं परमात्मा क्या परमात्मा के जैसे उनके हृदय में वास करता हूँ, उनका इच्छा है कि फलाना शिव जी के पास जाना, सूर्य के पास जाना, तो उस श्रद्धा को मैं जो है यो यो यम तनु भक्ता श्रद्धा, उसको उस श्रद्धा को मैं और पक्का कर देता हूँ, जा भाई उसी के पास जा, पर शिव जी मेरे पास ही भेजे, गणेश जी मेरे पास ही भेजे, पर जा तो सही। चंडी दास, नरसिंह मेहता, तो इस प्रकार से जा तो सही पर देवी देवता के पास जा, नास्तिक तो मत बन। तो इस प्रकार से जो है वो श्रद्धा जो है भगवान देते हैं, ताम एवं भी दा दमी हम, भगवान जो है विशेष रूप में जो है वेटर बन के उनका श्रद्धा दे देते हैं। भगवान कहते हैं अहम, मैं देता हूँ वो श्रद्धा उनके अंदर, अहम सातया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनाम इहते लभते च तत कामम मामे अभिहितान हितान। और इस प्रकार से वो जो भी देवी देवता के पास जाते हैं उसके प्रति जो श्रद्धा है मैं ही देता हूँ, और इस प्रकार का श्रद्धा जो है आराधना जो है श्रद्धा किस प्रकार बढ़ाने का जो गुण भी उनके अंदर देता हूँ,
योग्यता भी देता हो, और इस प्रकार का जो श्रद्धा वो प्राप्त कर लेता है उस देवी देवता का जो है, को प्रसन्न करने का इच्छा कर लेता है, वो भी भगवान जो है उस इच्छा को पूरा करने का शक्ति और बुद्धि देते हैं, और इस प्रकार से वो देवी देवता का उपासना करते हैं, और देवी देवता जो है उनको जो फल देते हैं वो फल भी देवी देवता को मैं देता हूँ, फिर जाके वो देवी देवता इनको देते हैं। गणेश जी के पास गया, 10 करोड़ रुपया मिला, पर वो 10 करोड़ जो है गणेश जी के पास नहीं था, मैंने गणेश जी को दिया और गणेश जी ने आपको दिया, वो भक्त को देते। इस प्रकार से क्योंकि ये देवी देवता जो है मेरे सेवा में लगे हैं ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखने में, तो इसीलिए जो है जो उस प्रकार का इच्छा पूरा करने के लिए उन देवी देवता का उपासना जो है मैं उनको लगा देता हूँ। पर वो लोग ये करते करते जो है ये भूल जाते हैं कि ये श्रद्धा भी भगवान ने दिया और वो फल भी भगवान ने कृष्ण ने दिया। फिर भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसा देवान यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति अपिमा। ये लोग जो है अल्प मेधसाम है, कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि इनको जो फल मिलने वाला है वो ससीम होगा, सीमित होगा और अशाश्वत होगा। अर्जुन एकदम से कंप्लेन करते हैं, हे कृष्ण ये जरा सा नाइंसाफी है, ये लोग भी तो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं, और मैंने देखा जो देवी देवता के उपासक है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मंगलवार को 30 किलोमीटर मीरा रोड से जो है दादर जाते हैं सिद्धिविनायक चप्पल पहने पहने बगैर, और लाइन में 2 घंटे खड़े रहते हैं, और विष्णु के भक्त जो है गाड़ी में जो है मंगल आरती में आते हैं, ये लोग ही ज्यादा मेहनत करते हैं, पर उनको जो परिणाम जो है फल जो है बहुत कम मिलता है, ये तो साफ जरा सा नाइंसाफी है, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। कृष्ण देवी देवताओं के उपासक इतना मेहनत करते हैं और उनका फल जो है सीमित रहता है और अशाश्वत रहता है, और आपके भक्त जो है वो रसगुल्ला मुस्कुल्ला खा के या नाचते गाते जो है वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं, वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं और बहुत अनंत अपार सुख को प्राप्त करते हैं, ये तो जरा सा ना इंसाफ है। मेहनत तो दोनों किया, पर देवी देवता के पास ज्यादा मेहनत किया पर उनको फल कम मिला, और भक्त जो है कम मेहनत किया, और मैं कह रहा हूँ ये जो देवी देवता के उपासक कम अल्प में दशा में, और जो मेरे उपासक है मेरे भक्त है वो सुमे दशा बहुत ही बुद्धिमान है, ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो। तब कृष्ण कहते हैं देखिए लगता है आपके अंदर भेद भाव का विचार है। बोला नहीं, भेद भाव के विचार मेरे अंदर नहीं है, भेद भाव का विचार उनके उपासना में, देवी देवता ये स्वयं जो है शाश्वत नहीं है वो अशाश्वत है, तो उनका फल कैसे शाश्वत हो सकता है, उनका धाम कैसे शाश्वत हो सकता है, मैं अशाश्वत हूँ और मेरे पास अपार अनंत भंडार है, तो इसीलिए मेरे जो उपासक होते हैं मेरे जो भक्त होते हैं उन्हें शाश्वत सुख और अपार सुख मिलता है और शाश्वत धाम में आनंद का अनुभव करते हैं, ये तमाम प्रपदंते मेरे अंदर भेद भाव नहीं है, इनकी बुद्धि में भेद भाव है, जैसा जो होएगा वैसा वो पाएगा, मैंने कोई नाइंसाफी नहीं किया, मेरे अंदर कोई भेद भाव का विचार नहीं है। अर्जुन ये कम बुद्धि वाले हैं, इनको पता होना चाहिए देवी देवता वो जो है शाश्वत नहीं है, तो उनका धाम कैसे शाश्वत होगा, उनके द्वारा दिया गया जो फल कैसे शाश्वत हो सकता है, मैं किसी प्रकार का नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में भक्ति का ही महिमा गाया जा रहा है कि मेरा भक्ति श्रेष्ठ है, कम मेहनत में ज्यादा फल मिलता है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान है, यानी कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई किया या कम समय में ज्यादा पैसा कमा दिया, तो वास्तव में बुद्धिमान बनना है, हाँ कम समय समय में ज्यादा प्राप्त करना है तो भगवान का भक्त बनना चाहिए, देवी देवता का उपासक बन के मेहनत करके फिर से जीरो हो जाएगा। रावण हिरण्यकशिपु कंस ये सब देवी देवा के उपासक थे, बाद में जीरो हो गए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज ये सब कृष्ण के उपासक, इतने शाश्वत हैं और कितना सुख प्राप्त किया।
अव्यक्तम व्यक्तम आपान मन्यते मामा बुद्धया परम भाव जानान तो मामा अनुत्तमम। इसकी छवि है कृष्ण, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि जो है आपके जन्म को शाश्वत नहीं मानते हैं, आपके आपके तो आपको आपके जो है आपके जन्म को जो है आपके लीलाओं को तो जानते हैं, पर वो आपको जो है निराकार करके स्वीकार करते हैं, निर्विशेष करके स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों का क्या कहना, ये 10वें प्रकार के मायावादी हैं। वो जानते हैं कि आप वसुदेव के घर पर जन्म लिए हैं, और वो सोचते हैं कि आपका जो ये शरीर है वो माया है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो दिव्य नहीं है। ऐसे लोगों का आपको के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो जानते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा ये शरीर जो है कृष्ण का, जो कृष्ण ये जो शरीर है और कृष्ण का जो लीला है वो माया के मोहग्रस्त होने के कारण है, ये दिव्य नहीं है। अर्जुन कहते हैं आपका रूप गुण और लीला ये शाश्वत है, पर ये लोग इसे शाश्वत करके स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? ये मायावादी लोग जो है ऐसे विचार क्यों करते हैं? अव्यक्त व्यक्त हम इस प्रकार से क्यों मान रहे हैं? आप न मन्यते अबुद्धया परम भाव अजानंत माम अव्ययम अनुत्तम। मैं अव्यय हूँ, मैं उत्तम हूँ, ये नहीं, ये जान पर ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? परम भाव अजानन तो हे मायावादी लोग, मैं अव्यक्त हूँ पर मुझे व्यक्त करके समझते हैं, ऐसा मायावादी लोग सोचते हैं। ऐसा क्यों? अर्जुन ने पूछा, ऐसा ये लोग क्यों सोचते हैं? आपका लीला शाश्वत है पर ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया सम आवृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोक अजम अव्ययम्। मैं सबको जो है ये दिव्य ज्ञान का प्रकाश देता नहीं हूं, ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं बुद्धू और जो है जो है कम बुद्धि वाले हैं उनको ये ज्ञान नहीं देता, उनको जो है योग माया के द्वारा जो है पूरी तरह से विचलित कर देता हूँ। वो जान नहीं पाएगा कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं। वो जान नहीं पाएगा कि मैं अव्यय हूँ, मेरा शरीर जो व्यय नहीं होता है, अर्थात मोमबत्ती जैसे पिघलता है, ऐसे ब्याही कहते हैं, मेरा शरीर ब्याही नहीं था, वो ऐसे ही रह जाता है। वो कभी समझ नहीं पाएगा जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है पहलवान शोरूम में गया, बोला कि मुझे ये वॉशिंग मशीन, मुझे ये जो फ्रिज चाहिए, तो सेल्समैन बोला हम कम बुद्धि वालों को, बुद्धू लोगों को फ्रिज नहीं देते। तो फिर वो बुरका पहनकर आया, बोला मुझे ये फ्रिज चाहिए, बोला हम जो है कम बुद्धू लोगों को फ्रिज नहीं देते हैं। फिर बाद में वो सरदार जी बन के आया, बोला कम बुद्धि को हम लोग भी तो आया था, हम कम बुद्धि वालों को फ्रिज नहीं देते हैं। फिर बाद में जो है सलवार कमीज पहनकर आया, बोला अरे फिर से आगे हम बुद्धू लोगों को फ्रिज नहीं देते हैं। फिर बाद में वो परेशान हो गया, बोला मैं पहलवान के रूप में आया, मैं सरदार जी के रूप में आया, बुरका पहनकर आया, सलवार कमीज पहनकर आया, सरदार जी बनकर आया। अरे मुझे मत दो, पर मुझे एक बात आप जरूर बताओ कि एक बार बार आ रहा हूँ वो आपको कैसे पता लगा? वो बोला कि आप जिस चीज को फ्रिज बोल रहे हो फ्रिज नहीं, वो वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन को फ्रिज बोल रहा था। कम बुद्धि वाले को इसी प्रकार से भगवान जो है कम बुद्धि वालों को ये ज्ञान नहीं देते हैं कि भगवान क्या है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो अयम कि लोक अजम अव्ययम्। और कभी कम बुद्धि वाले या ऐसे जो है मायावादियों को ये पता नहीं लगता कि भगवान क्या है अव्यय। तो इस प्रकार से देवी देवता का मनुष्य में चार प्रकार का मनुष्य दुष्कृत हो गया, चार प्रकार के मनुष्य सुकृत हो गया, और देवी देवता के पास हो गया और मायावादी हो गए। इस प्रकार से अब आगे जो है ब्रह्मवादी के बारे में बताया जाएगा। भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। भगवान कहते हैं कि मुझे भूतकाल
में जो हुआ वो सब ज्ञान है, वर्तमान में जो भी हो रहा है हम सब क्या क्या सोच रहे हैं वो भी पता है, और भविष्य में हम क्या सोचेंगे क्या करेंगे हमारे साथ क्या होगा वो सब जानते हैं भगवान। है कोई ऐसा माइकल आल इतना बुद्धिमान कंप्यूटर हम जो भूत वर्तमान और सबकी जान, भगवान सब कुछ अभेद हम समझता नहीं वर्तमान ही चाह। मैं जानता हूँ ये मायावादी लोग जो है मेरे बारे में सही गलत सोच रहे हैं, इसलिए जो है उनको मैं ये बुद्धि नहीं देता हूँ कि मैं शाश्वत हूँ, ये ऐसे ही सोचेंगे ये सुधरेंगे नहीं। ये लोग मोहग्रस्त थे और माया में है। हे कृष्ण जीव कब से जो है मोहग्रस्त है। तो भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं वो जन्म भौतिक जगत में आते ही मोहग्रस्त हैं। हम कहते हैं ना बच्चा क्या है, इच्छा द्वेष समते न द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तपा। हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा जो है हाँ ये भगवान का रूप है, नहीं सब जो है इच्छा और द्वेष से संसार में आते हैं। इच्छा क्या है, भगवान जैसे उनको सुंदर बनना है, भगवान जैसे रासलीला करना है। द्वेष क्या है, भगवान से आते हैं, भगवान अकेले कैसे रासलीला खेल रहे रास को। तो इस प्रकार से जो है इच्छा और द्वेष के साथ इस प्रकार से कुछ लोगों को जो उनकी इंद्र तृप्ति को साथ देंगे उसे अपना कहेंगे, जो उनके इंद्र तृप्ति को या उनके बातों को स्वीकार नहीं कर उसे द्वेष करने लगे। इच्छा द्वेष से समझते हैं ना, एक छोटा बच्चा भी जन्म लेते हैं ना बोलते हैं ना बच्चा जो है भगवान का रूप होता है, नहीं एक छोटा बच्चा के अंदर भी ये भाव होता है। इसीलिए तो ये भौतिक जगत में जेल में अगर कैदी है तो अगर कोई जेल में अगर कैदी के रूप में है तो हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे अच्छा आदमी तो इसलिए जेल में आ गया, नहीं वो गलत क्या इसलिए जेल में आया। तो इस प्रकार से भौतिक जगत है, जेल है, जितने भी जीव हैं वो भगवान से ईर्ष्या किया है और इसीलिए इसी प्रकार से इच्छा द्वेष को लेके इच्छा द्वेष समुते ना द्वंद्व मोह न भारत, इस प्रकार से द्वंद्व और मोह से भरा हुआ है। सर्गे यान्ति परम तपा, ये ब्रह्मांड के आरंभ से ही वो जो है इस प्रकार का विचार किया, वो कभी जो है इस इच्छा और द्वेष से मुक्त नहीं होगा। अर्जुन बोलता है अरे 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 ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी जीव फंस गए तो फंस गए बुरी तरह से फंस गए, वो कभी भक्त बन पाएगा चक्कर से छूट पाएगा। कृष्ण मुस्कुराने लगता है ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो, कृष्ण मुस्कुराते कहते हाँ होगा। कब होगा, जब ये सब जो है इनमें से कुछ जीव जो मनुष्य शरीर लेके कुछ पुण्य कार्य करेंगे, पुण्य कार्य करते करते एक शुद्ध भक्त का एक दिन सेवा करेगा, उस दिन से जो है उनका भक्ति आरंभ हो जाएगा, उनका जो है मुक्ति आरंभ हो जाएगा। एषां तव अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ भक्ति। ये लोग जो है जो अपने जीवन में बहुत बहुत पुण्य कार्य किए हैं या इस जीवन में भी पुण्य कार्य किए, पुण्य कार्य करते करते पाप से पाप कार्य के दूर रखते हुए पुण्य कार्य करते, तो मेरे भक्त जो कि इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं मेरे भक्तों को मैं बहुत बहुत भेजता हूँ, इनका जब एक दिन सेवा कर लेते हैं इनकी सेवा करने से उनको कृपा मिलता है और उस कृपा से जो है वो एक दिन भक्त बनेगा। एषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म ते द्वंद मोह निर्मुक्त, वो द्वंद से मुक्त हो जाएगा, तेरा है मेरा है छोड़ देगा, एक है गुरु नंदना, मेरा योजना और भगवान का योजना एक हो जाएगा, और द्वंद क्या है मेरी तेरी को जो है भूल जाएगा, अहम ममेति और त्वम तमेति अज्ञान से वो निर्मुक्त हो जाएगा और मेरा भजन करने में दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी इस धरातल पर भगवान ने भेजा था, इनका सेवा करते करते हैप्पी हैप्पी हो गए, ऋषि ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापनीज जापा में लगे, दुखी लोग सुखी हो गए, अफ्रीकन सकिंचन हो गए और अमेरिकन समर हो गए। नहीं तो मुश्किल है भैया, हम लोग जैसे तैसे भी भक्त बन गए, किसलिए भगवान का कृपा का मूर्ति जो है भगवान ने भेजा वो है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। इसके अलावा जो है 10 प्रकार के हो गए, अभी ब्रह्मवादी का वर्णन आएगा। जरा मरा मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म च अखिलम। अब
ये सब के पीछे चार प्रकार के दुष्कृत, चार प्रकार के सुप्रीत देवी देवता के उपासक, मायावादी के अलावा कुछ मेरे भक्त होते हैं, वो भी भौतिक विचार होते हैं। वो जो है ब्रह्म आनंद का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक प्रकार का सकाम भक्त है। ये लोग जो है वो जरा मरा मोक्ष है, बुढ़ापा और मृत्यु से बचकर ब्रह्म का उपासना करना चाहते हैं। वो मेरे शरण में आते हैं, वो मेरे आश्रम में आते हैं, पर उनको ब्रह्म का जो सुख चाहिए, ये ब्रह्मानंद है, ब्रह्मवादी है, ब्रह्मानंद का सुख चाहिए। वो जो है ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं, वो लोग जो है धीरे धीरे सब कुछ समझ जाते हैं। साधि भूत सा आदि भूत आदि देवाना सा आदि यज्ञ चाहे प्रायाण पीछा तेवी तचेतसा। वो मेरा सेवा करते हैं, वो मुझे जान सेवा करते करते मुझे जान पा जाएंगे और वो जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और ये जो है वो यद्यपि पूरी तरह से भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इच्छा नहीं था भक्ति करने का, पर उनके अंदर वो चेतना जागृत हो जाएगा कि कृष्ण भगवान है, उनको ब्रह्म ज्योति चाहिए, तो कृष्ण भगवान है, वो स्वीकार कर ले गया। इस प्रकार से आदि आत्मा, आदि भौतिक, आदि दैव, आदि यज्ञ, कृष्ण जो है सारे यज्ञ के मालिक है, कृष्ण सारे देवी देवताओं के मालिक है, कृष्ण इस जगत के जितने भी पदार्थ के मालिक है वो जान लेगा, और इस प्रकार से मृत्यु के समय में मुझे जान लेगा और मेरे धाम में आ जाएगा और ब्रह्म ज्योति का आनंद प्राप्त करेगा। इस प्रकार से जो मृत्यु के समय में वो मेरे पास आ जाएगा। तो अर्जुन के अंदर 8 प्रश्न होगा और इस 8 प्रश्न का उत्तर 8वें अध्याय में दिया जाएगा। इस शब्दों में भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, जीने की कला क्या है, इस 7वें अध्याय में हमें पता लगता है। भगवान जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है, इसे देखकर किसे स्मरण करना चाहिए प्रेमी भक्त को? कृष्ण को। ये ज्ञान और ये विज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर, अर्थात हमें जो है संसार में जो भी दिखता है ये सब भगवान से आया हुआ है समझकर भगवान से और प्रेम करना चाहिए, और इस प्रकार से अपने जीवन को पावन करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। अब से लेकर शरीर छूटने तक और अच्छा भक्त, और अच्छा भक्त, और अच्छा भक्त करने का हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सफल कर देना चाहिए। तो श्रवण करने के लिए और सेवा का मौका देने के लिए हृदय के गहराई से आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। हरे कृष्णा।